तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने से पहले आप सबसे एक चीज़ का रिकमेंड करना चाहता हूँ मेरे भाई। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। वीडियो तो डेली देखते हैं मेरे भाई, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल फ़ोटो आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, इस फ़ोटो को डायरेक्ट ले लीजिएगा और लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ ऑल फ़ोटो के ऊपर आना होगा। ऑल फ़ोटो के ऊपर आने के बाद मेरे भाई, अपने ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा उसके ऊपर क्लिक करके। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको क्या क्या छेड़छाड़ करना है सब कुछ मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, आपको पहला स्टेप में आपको ये छेड़छाड़ करना होगा, थोड़ा सा लाइट एडजस्ट करना होगा अपने फ़ोटो में। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं लाइट एडजस्ट बहुत ही मायने रख देता है फ़ोटो के लिए, क्योंकि अगर आपके फ़ोटो में लाइट ही अच्छा ना रहे तो आपका फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखता है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है एंड हाईलाइट को भी कम करना है इतना, एंड शेडो को इतना बढ़ा देना है। उसके बाद वाइट को कम करना है एंड ब्लैक्स को इतना पे रख देना है। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ कलर्स के ऊपर आना है। कलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर एक मिक्स का ऑप्शन आएगा, मिक्स के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि सेकेंड वाले हम कलर को सिलेक्ट कर लिए हैं मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई ये जो है सेचुरेशन है और लुमिनस है, इससे क्या होगा मेरे भाई, इसको हम कम करेंगे तो इस पर लाइट कम होगा और ये है जो लुमिनस है इस पर लाइट बढ़ेगा फेस पे इससे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट करना होगा, इसका ह्यू को पूरा कम करना होगा और सेचुरेशन को बढ़ा देना होगा। उसके बाद सेकेंड वाले कलर को सेलेक्ट करना है, इसका ह्यू कम करना है एंड सेचुरेशन को पूरा फुल बढ़ा देना है इतना पे, देख लीजिए हाँ इतना पे रख देना है। उसके बाद मेरे भाई सेकेंड वाले कलर को छेड़छाड़ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, आपको फर्स्ट वाले कलर पे आना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, लुमिनस बढ़ाना है, ह्यू को कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई ये ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, उसका सेचुरेशन एंड लुमिनस को कम कर देना है, सेचुरेशन को बढ़ा के लुमिनस को कम कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन होगा, इफेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई टेक्चर को बढ़ा दीजिएगा और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। देख लीजिए मेरे भाई इतना काम करना है, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पर आप लोग, उसके बाद यहाँ दहेज होगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ देखिए आ जाएगा डिटेल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको शार्पनेस को बढ़ाना होगा और कलर नाइट रिडक्शन को बढ़ाना होगा। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर देख लेना होगा, पहले और अब में देख लीजिए कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से क्या करना है, शेयर करना है आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा, और टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आपको, देख लीजिए, और अपने फेस के ऊपर रख के थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना होगा। थोड़ा सा इधर भी आप सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मेरे भाई ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, और अब की बार यहाँ डिटेल का ऑप्शन होगा, तो डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ लाइब्रेरी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद मेरे भाई यहाँ स्क्रॉल करके आना होगा, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा, स्मॉज राउंड बीटीस ब्रश। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सेटिंग को देख लीजिए, फॉलो को 4 रखना है, स्ट्रेंज को 8 रखना है, मतलब 8%।
उसके बाद मेरे भाई अपने फेस को ऊपर अच्छे तरीके से जूम करके अपने फेस को ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं कर रहा हूँ, तो कितना क्लीन हमारा फेस दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। के यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई आप स्मूथ कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देख लीजिए मेरे भाई, आराम आराम से आपको स्मूथ करना है, कोई जल्दीबाजी में स्मूथ मत कीजिएगा वरना आपका फ़ोटो बेकार हो सकता है। तो जितना आप आराम से हो सके मेरे भाई स्मूथ कर लीजिएगा, जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा मेरे भाई। आप चाहे तो जितना आराम से करना चाहे उतना आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जल्दीबाजी में मत कीजिएगा मेरे भाई वरना बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। जितना प्यार से आप स्मूथ करते हैं उतना ही अच्छा रहेगा आपके फ़ोटो के लिए। तो समथिंग समथिंग तो मेरे भाई स्मूथ हो ही गया है, और ज़्यादा स्मूथ करके नहीं दिखाऊँगा मेरे भाई। जहाँ जहाँ मेन मेन पार्ट होता है ना वहाँ वहाँ स्मूथ करूँगा जहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, समथिंग तो स्मूथ हो ही गया है बट इधर छूट गया है, तो इधर हम चाहे तो स्मूथ कर सकते हैं जल्दी जल्दी में। बट मेरे भाई फेस के ऊपर एकदम थोड़ा सा स्लो ही स्मूथ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे, इधर भी और इसको भी, यहाँ से भी अच्छे तरीके से। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से आपको शेयर करना होगा। कहाँ पे? तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है मेरे भाई, जैसे कि देख लीजिए मैं कर रहा हूँ। और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ काम है आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ एडजस्ट के ऊपर आना है, और यहाँ पर एक सेचुरेशन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। इस सेचुरेशन को 100% बढ़ा के मेरे भाई ऊपर के साइड इरेज के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड कर देना है इसको। बैकग्राउंड हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन करना है और यहाँ से भी डन करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ कलर रिप्लेक्स का ऑप्शन आएगा, कलर रिप्लेक्स के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, फाइनली ग्रीन कलर रख देना है अपने बैकग्राउंड में। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेना है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।